71 गुरबन पढ़ने से बातें रहा हूँ। जैसे कि सबको मालूम है, पिछले चंद दिना से हमारा चामराजपेट एमएलए बीजेड जमीर अहमद खान साहब के ऊपर बहुत तोहमत लगा रही, बहुत सी पीछे ट्रॉल कर रही, पीछे बात कर रही और उनके ऊपर साजिशें चल रही, चालान चल रही। हमारे लीडर दूसरे भी बीजेपी लीडर रहते हैं, दूसरे लीडर्स रहते हैं, सब उनके ऊपर पीछे हाथ धो को पीछे पड़ी। कल कोरोना है उनको घर को बोल को एक नया रूमर उठे थे। कल वो भी टेस्ट जमीर अहमद साहब खुद चल को जाको सपोर्ट करके क्वारंटाइन टीम के साथ जाको चेक करने के बाद नेगेटिव रिजल्ट आया, जैसे कि कल सब मीडिया में दिखा है। उन्होंने इतना अच्छा काम कर रही, आगे बढ़का को ना उन्होंने जात देख रही, ना किसी पार्टी देख रही, ना किसी का उन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी देख रही। हर एक जगह उन्होंने खाना सप्लाई कर रही, हर दिन खाना पहुंचा रही, हर दिन रेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही। किसकी तभी मौता होगी, कोई एक्सपायर हो गया, कोई डेथ हो गए, भले वो बीजेपी का रहने दो, महेंद्र कुमार रहने रहे दो या कोई मामूली उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी रहने दो, नॉर्मल इंसान को ये साथ भी उन्होंने कोरोना रहा तो मैंने डर रही नहीं, आगे जाको उसकी जरूरत के साथ खड़ रही, काम कर रही। ये दूसरे आदमी को देखना है हो रहा नहीं, उसके वजह से बीजेपी वाले इनके ऊपर साजिश कर को नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दुनिया में कोई भी इंसान किसी का नाम बदनाम नहीं कर सकता जब तक खुदा चाहता नहीं। इंशाअल्लाह हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब का नाम कोई मैका लाल खराब नहीं कर सकता। उन्होंने पूरे कर्नाटका के टाइगर घर को बोले जाते सो, उन्होंने खाली हमारे पूरे कौम के नवे, हमारे चामराजपेट के नवे, हमारे पूरे कर्नाटका के लीडर उन्होंने, उनके साथ खुदा है और आवाम की दुआ बहुत है उनके साथ। उन्होंने जो मेहनत से आगे बढ़ को उनकी फैमिली का तक केयर नहीं कर रही, उनकी खुद की हेल्थ के बारे में नहीं केयर कर रही। उन्होंने इतना सामने आको एक लीडर, कोई भी लीडर इतना सामने आको काम कर रहा नहीं, उतना काम हमारे बीजेपी जमीर अहमद साहब खान साहब कर रही। उनको करने देना, उनको और जाको हेल्प करना है, उस बदले इन सब पीछे जाको उनके पीछे पढ़ को रूमर्स क्रिएट करके नाम बदनाम करने की कोशिश कर रही। पूरी जनता को मालूम है, पूरी पब्लिक को मालूम है कौन लीडर कैसा है बोल को, कौन भी दूसरे लीडर इनका नाम बदनाम करने की जरूरत नहीं। और इंशाल्लाह तुम्हें बोले तो उसके पीछे हमें कोई उनको रिएक्ट करने वाले नहीं, इनको टारगेट बिठाई तो मिलोगा इंशाल्लाह। अल्लाह उनके साथ है, पूरी आवाम उनके साथ है, पूरे भाई की दुआ है इंशाल्लाह उनका क्या भी खराब नहीं होता। और ये बोल को मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। और आखिरी बात, हमारे पूरे हिंदुस्तान के, हमारे पूरे आवाम को, हमारे पूरे कर्नाटका के, बेंगलुरु के आवाम को रमजान मुबारक करके बोलना चाहता हूँ। शुक्रिया।